Welcome again students. Today we are going to discuss C language topic from the beginning. Exchanging two variables values through a temporary variable. यानी दो वेरिएबल के माध्यम दो वेरिएबल की वैल्यूज को और तीसरे वेरिएबल के माध्यम से किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं. इस टॉपिक को मैंने आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग बनाया क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मुझे डेटा जो है बिगिन से चाहिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को अभी याद में शूट कर रहा हूँ. तो इस टॉपिक को लेकर मैं आपको इसका एल्गो दूंगा, एल्गो कैसे बनाई जाएगी इसकी, इसका एक डायग्राम दूंगा और डायग्राम के साथ साथ मैं आपको कोडिंग दूंगा. ये तीनों चीज़ें मैं आपको दूंगा ताकि ये टॉपिक जो है आपको बेहतर समझ में आए. और इसी तरीके से मैं डिफरेंट टॉपिक जो है अलग अलग टॉपिक बिगिन से उठाता चला जाऊंगा. रेगुलरली मैं आपको सारे टॉपिक नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ जो है आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करनी है, समझाना है सिर्फ, क्योंकि कोर्स तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है. तो इसलिए आइए देखते हैं. तो हम पहले सबसे पहले इसमें डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम के थ्रू हमारा एल्गो कैसे बनना चाहिए. तो डायग्राम है हमारा, जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पर हमारे एक्स और वाई ये दो हमारे पास वेरिएबल हैं, कंटेनर हैं, जिसमें एक्स में रखा है 11 और वाई में रखा है 58. और रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए आफ्टर स्वैप रिजल्ट, यानी कि स्वैपिंग होने के बाद में रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्स में 58 आना चाहिए. यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है वाई की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू बन जाए, और ठीक इसी प्रकार से जो आपकी ये वैल्यू है जो एक्स की ये वाई की वैल्यू बन जाए. ये रिजल्ट हमें चाहिए, ये रिजल्ट मिल जाएगा तो समझ लो हमारा जो टॉपिक है वो पूरा हो गया. उसके बाद में अब हम आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है हमारे पास एक्स जिसमें 11 रखा और एक है वाई जिसमें 58 रखा है. अब हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो टेम्परेरी वेरिएबल के रूप में हमने ले रखा है टी. अब इस वेरिएबल को हम कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं. हमने क्या किया, कॉपी एक्स वैल्यू टू टी, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू हो वो किसमें कॉपी कर दो, कॉपी की जगह यहाँ पर ये बोल सकते हैं ट्रांसफर कर दो. मैं यहाँ पर ट्रांसफर शब्द लिख देता हूँ ताकि आपको और आसान लगे, ट्रांसफर, या ट्रांसफर की जगह पे एक और शब्द है मेरे पास असाइन. असाइन शब्द जो है, असाइन का मतलब होता है सौंपना या देना. तो असाइन एक्स वैल्यू टू टी, यानी कि एक्स की वैल्यू टी को असाइन कर दो, दे दो, तो x की वैल्यू किस में आ गई, t. और ये जो मैं एरो यूज कर रहा हूँ ये असाइनमेंट का साइन होता है. जब हम अपनी एल्गो वगैरह लिखते हैं तब हम इस साइन का यूज करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो लाइंस का यूज होता है, वो भी इसी तरीके से होती हैं. तो इस बात का ध्यान रखें, ये जो मैंने एरो बनाया है ये असाइनमेंट का साइन है, यानी कि वैल्यू सौंपने के लिए ये जिस तरीके से इक्वल टू लगाया था ठीक उसी प्रकार से यह भी होता है यहाँ पर. उसके बाद में अब जब हमारी x की वैल्यू किसमें पहुंच गई, t में, अब हमें क्या चाहिए, नाउ y टू x. अब क्या करना है, y की वैल्यू किसमें असाइन करनी है, x में, क्योंकि x हमारा क्या था, x हो गया खाली, इम्पटी हो गया था. अब इम्पटी बॉक्स में कुछ भी रख सकते हैं, तो y की जो वैल्यू थी वो हमने किसमें असाइन कर दी, x में. अब क्या हुआ, अब हमारा y हो गया फिर से इम्पटी, यानी कि पहले x इम्पटी था तो उसमें क्या किया था, y की जो वैल्यू थी वो x में प्लेस कर दिया. अब x अब हमारा हो गया y इम्पटी, यानी y खाली हो गया. तो y बॉक्स जब खाली हो गया तो t में क्या रखा था 11, वो किस में असाइन कर दिया, y बॉक्स में. y बॉक्स में अब क्या हुआ, हमारे पास x में 58 आ गया है, y में 11 आ गया है. अब करना क्या है, दोनों को हमें शो कराना है. तो नाउ शो बोथ, अब दोनों को शो कर दिया, तो शो करने पर रिजल्ट क्या मिला हमें, x में 58 आ गया है, y में 11 आ गया है. इसी चीज को अब हम अपने एल्गो से समझेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिगिन, बिगिन से शुरू करेंगे स्टेप 1. स्टेप 2 में गेट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y, इन दोनों वेरिएबल या कंटेनर में वैल्यू को रखो. उसके बाद में असाइन द वैल्यूज ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू किस में असाइन करनी है, t में, क्योंकि t हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है. तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को t में असाइन कर दिया. उसके बाद में
अगली स्टेप में असाइन द वैल्यू ऑफ वाई टू एक्स, क्योंकि हमारा जो एक्स था वो खाली हो चुका था। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, जो वैल्यू थी हमारी वाई की वो किसमें डाल दी, एक्स में। उसके बाद में सो है एक्स हैज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वाई, ताकि अतः जो एक्स की वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू वो वाई की हो जाए। नाउ इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स की ओरिजिनल वैल्यू नहीं रही क्योंकि उसकी जगह पे किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। आगे असाइन द वैल्यू ऑफ टी टू वाई, क्योंकि टी में किसकी वैल्यू है, टी में है एक्स की वैल्यू, क्योंकि आप देखें ये एक्स की जो वैल्यू थी वो टी में असाइन की थी। और जब अब एक्सचेंजेशन हो गया, यानी कि एक्सचेंज हो गया है, स्वैपिंग हो गई है, अब क्या करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इन दोनों की वैल्यू को शो कर दो प्रिंट एफ फंक्शन से। तो शो कर दिया यहाँ पे, मतलब कोडिंग तो हम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब फाइनली हमारा डिजायरेबल रिजल्ट आ चुका है, तो अब हम एल्गो को स्टॉप कर देंगे। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो हमने कोडिंग के लिए लिया है। आइए देखते हैं, ये है यहाँ पर हमने क्या किया, मेन फंक्शन में हमने कंटेनर या वेरिएबल ले रखे हैं, पहले एक्स ले रखा है जिसमें 11 है, दूसरा वाई ले रखा है जिसमें 58 है, और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रखा है टी। उसके बाद में हमने दोनों वैल्यू को प्रिंट कराया है, ये देखिए एक्स की वैल्यू को प्रिंट किया है, उसके बाद में सिंपली वाई की वैल्यू को प्रिंट किया है। ये ऐसा क्यों किया, ताकि यूजर को स्क्रीन पर अपनी दिख जाए कि एक्स की वैल्यू अभी क्या है, वाई की वैल्यू अभी क्या है, ये दोनों बातें आप ध्यान से समझ लें। उसके बाद में अब ये जो पार्ट है कोडिंग का, ये इतना पार्ट है स्वैपिंग का, ये जो पार्ट है वो स्वैपिंग का पार्ट है। अब क्या किया, टी में क्या डाल दिया, टी में डाल दिया है एक्स की वैल्यू को। यहाँ पर मैं एरो उल्टा लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोडिंग में जब असाइनमेंट की बात आती है तो हमेशा एरो साइन ऐसे ही लगता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद में अब एक्स हो गया खाली, तो पाई में क्या था हमारा, 58 था, तो अब क्या करना है, पाई की वैल्यू को किस में डाल दिया, एक्स में। अब मेरे पास पाई इनफिनिटी हो गया, टी में क्या था, टी में था 11, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी में था 11, एक्स में क्या आ गया था 58, और टी में क्या था 11, तो 11 किस में आ गया आपका, बाई में, तो बाई के पास क्या हो गया वैल्यू 11, यानी स्वैपिंग का काम पूरा हो गया। उसके बाद में स्टेटमेंट स्क्रीन पे क्या शो होगा, आफ्टर स्वैपिंग रिजल्ट, स्वैपिंग के बाद में रिजल्ट क्या है देखिए। तो अब क्या है, पहले की तरह ही एक्स को शो करा दिया है, फिर वाई को भी शो करा दिया है। इस तरीके से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला, बाद में हमें ये वाला और ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका पूरा हो जाता है कि दो वेरिएबल के माध्यम, दो वेरिएबल की वैल्यूज को टेम्परेरी वेरिएबल के माध्यम से किस तरीके से स्वैप किया जाता है, उसका डायग्राम क्या होता है, उसका एल्गो क्या होता है, ये चीज़ें आपको एक ही प्रोग्राम में मैंने एक वीडियो में अच्छे समझाए हैं। अगर ना समझ में आई हो तो आप हमसे क्वेरी करें, व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें या कमेंट करें। थैंक यू।